खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई, किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है, लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे मुझे खात्री है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गंभीर्य दिया और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराहना भी की, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर, और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है, मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चाहता हूं। उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे अपनी छोटी सी जमीन पर इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी, वह हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% प्रति किसान ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है, और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, हमें जवाब को ढूंढना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी, इस काम के लिए जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबने करना होगा। भले ही हमने राजनीति कर ली हो, 1-2 एकड़ जमीन वाले किसान जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वो कर्ज लेता है, न कर्ज माफी का फायदा उसको मिलता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे, यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी, और इसलिए। लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते
कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की यहाँ मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज बहुत पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यूटर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। देर आर अदर रिजिडिटीज बिकॉज ऑफ द होल मार्केटिंग रिजिम सेटअप इन द 1930s विच प्रिवेंट अवर फार्मर्स फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोड्यूस वेर दे गेट द हाइएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। इट इज अवर इंटेंशन टू रिमूव ऑल दोज हैंडीकैप्स विच कम इन द वे ऑफ इंडिया रियलाइजिंग इट्स वास्ट पोटेंशियल एज वन लार्ज कॉमन मार्केट। ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए। प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहां जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारें हैं वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, वो तो रहता है। इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। कोई ये तो मना नहीं कर सकता है, समस्या नहीं है। लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस,
और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम, जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें उज्जवल किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हमें इस बात की चिंता करनी होगी। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन ताकत है, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है। और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे, खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है।